हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना सुबह सर। आज मैं कराने वाला हूं आपको 28, 29 एंड 30। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें बताया गया है कि 8% की, सॉरी यहां पर 9% की रेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है श्री गणेश के लिए, और यहां पर डिफरेंट डिफरेंट केसेस दिए हुए हैं। तो पहले केस में सबसे पहले तो हम ATP बना लेंगे, जबकि ड्राइंग मेड किया जा रहा है 4000 पर मंथ और एट द मिड बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाला जा रहा है। तो जब भी एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाला जाता है तो 12 + 1/2 हो जाता है, 13/2 इक्वल 6.5 मंथ्स हो जाता है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का सेम फार्मूला है, टोटल ड्राइंग 4000 अगर वन मंथ में निकाल रहा है तो 12 मंथ में 4000 मल्टीप्लाई 12 निकालेगा। इसके बाद रेट अपॉन 100 कर दिया जाएगा, इसके बाद एवरेज टाइम पीरियड अपॉन 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 2340। इसके बाद सेकेंड इसके केस में बोला गया है, अगर वो विड्रॉ करता है ₹5000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ अगर निकालता है तो ATP हो जाएगा 11 + 0/2 = 5.5 मंथ्स। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला लगा देंगे, 5000 × 12 × 9/100 हो जाएगा × 5.5/12 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 2475। केस नंबर थर्ड में बोला गया है, अगर वो विड्रॉ करता है 6000 पर मंथ, यहाँ पर 6000 पर मंथ तो बताया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि मंथ में कब, एट द बिगिनिंग, एट द मिडल या एट द एंड। तो एवरेज टाइम पीरियड ऐसी कंडीशन में 6 मंथ का हो जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड क्वेश्चन में नहीं बताया गया है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला लगा देंगे, 6000 × 12 कर देंगे टोटल ड्राइंग बनाने के लिए, इसके बाद रेट अपॉन 100 कर देंगे, इसके बाद ATP / 12 कर देंगे, तो हो जाएगा 3240। देखिए जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें एक चीज़ तो कॉमन आ रही है कि जब भी मंथली विड्रॉ किया जाएगा तो टोटल ड्राइंग बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। इसके बाद केस नंबर 4 में बोला जा रहा है, अगर वो विड्रॉ करता है ₹72,000 ड्यूरिंग द ईयर, तो यहाँ पर भी ड्यूरिंग द ईयर बताया गया, ये नहीं बताया गया है कि उसने कब विड्रॉ किए, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर है मतलब टोटल ड्राइंग जो उसने की है वो यही है। तो यहाँ पर जब हम टोटल ड्राइंग की बात करेंगे तो उसमें हम मल्टीप्लाई किसी से भी नहीं करेंगे। ATP सबसे पहले निकाल लेंगे, 6 मंथ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी टाइम के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा, टोटल ड्राइंग इसी को मान लिया जाएगा, क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर इसने निकाले हैं। तो 72,000 × 9/100 × 6/12 हो जाएगा, जिसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3240। इसके बाद केस नंबर 5 में हमें डिफरेंट टाइम बताया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि ड्राइंग की गई है और इसमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमें सिंपल मेथड यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। सिंपल मेथड जैसा कि हमने पहले निकाला था, हम उसी तरीके से यूज कर लेंगे। यहाँ पर डेट डाल देंगे, इसके बाद यहाँ पर अमाउंट जो क्वेश्चन में दी गई है वो डाल देंगे, यहाँ पर रिमेनिंग मंथ्स इसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग दिस डेट। 30 अप्रैल से 31 मार्च तक अगर हम टाइम कंसीडर करते हैं तो 11 मंथ बचता है, 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 मंथ, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ, 30 नवंबर से 4 मंथ बचेंगे और 31 मार्च से ही 31 मार्च तक 0 मंथ बचेगा। इसके बाद यहाँ पर हम इस दोनों की मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर प्रोडक्ट बना लेंगे। तो प्रोडक्ट बनाने के बाद जो प्रोडक्ट आए हैं इन सबको हम ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 401,000, जो कि सम ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेंगे, टोटल प्रोडक्ट यानी सम ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12 सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आएगा 3007.5, जिसको अगर हम राउंड ऑफ कर दें तो 3008 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को जो इस केस को केस नंबर 5 को मैंने यहाँ पे जो सॉल्व किया है वो प्रोडक्ट मेथड से लगाया है। अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को, इस केस नंबर 5 को आप सिंपल मेथड से भी लगा सकते हैं, आंसर सेम आएगा। मुझे प्रोडक्ट मेथड ज़्यादा बेटर लगता है सिंपल मेथड से, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व किया है। अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, वर्किंग नोट्स में प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी बुक का क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उससे जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूँ। केस नंबर 6 में यहाँ पर दिया हुआ है कि विड्रॉ किया गया है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, जब भी एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर अगर ड्राइंग मेड किया जाता है तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद बचते हैं 12 मंथ और लास्ट ड्राइंग के बाद बचते हैं 3 मंथ्स। तो 12 + 3/2 कर दिया जाएगा, 15/2 = 7.5 मंथ्स एवरेज टाइम पीरियड निकल कर आ जाएगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला लगा देंगे, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू रिमेनिंग मंथ ATP / 12 हो जाएगा। तो टोटल ड्राइंग यहाँ पर हो जाएगा 12000 × 4, क्योंकि 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं। इसके बाद रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज टाइम पीरियड अपॉन 12 सॉल्व करेंगे, निकल कर आ जाएगा 2700। इसी के तरीके से केस नंबर 7 में बोला गया है हमें यहाँ पर कि जो ड्राइंग किया जा रहा है वो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर
यहाँ पर मेड किया जा रहा है। तो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर अगर निकालता है तो पहले ड्राइंग करने के बाद 9 मंथ बचेंगे और लास्ट ड्राइंग करने के बाद 0 मंथ बचेगा। तो 9 + 0/2 कर देंगे तो 9/2 = 4.5 मंथ्स आ जाएगा। इसके बाद फार्मूला लगा देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, तो 18,000 × 4/100 × 9/100 × 4.5/12 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2,430। इसी तरीके से 8 वाले में हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि उसने जो विड्रॉ किया है वो एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर विड्रॉ किया है। तो मिडल ऑफ ईच क्वार्टर अगर विड्रॉ करता है तो पहले ड्राइंग के बाद जो रिमेनिंग मंथ बचेंगे वो बचेंगे 10.5 और लास्ट ड्राइंग जब मेड किया जाएगा तो उसके बाद जो रिमेनिंग मंथ बचेंगे वो बचेंगे 1.5। इस तरीके से 10.5 + 1.5/2 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 12/2 = करेंगे 6 मंथ हो जाएगा। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला लगा देंगे, टोटल ड्राइंग मीन्स 18,000 × 4 × rate/100 × एवरेज टाइम पीरियड अपॉन 12 इक्वल सॉल्व करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 3,240। क्वेश्चन नंबर 29 में जो यहाँ पर बताया जा रहा है वो हमें 6 मंथ वाले ईयर के लिए बताया जा रहा है, मतलब 1 ईयर में ओनली 6 मंथ होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है। ATP सबसे पहले निकाल लिया जाएगा, तो ATP निकालेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट ड्राइंग जब मेड किया जाएगा तो उसके बाद बचेंगे 6 मंथ, क्योंकि ईयर में ही 6 मंथ हैं। यहाँ पर नॉर्मली जो हम इससे पहले क्वेश्चन लगा चुके हैं उनमें 1 ईयर में 12 मंथ होते थे, लेकिन इसमें 6 मंथ ही हैं 1 ईयर में, तो यहाँ पर 6 मंथ के अकॉर्डिंग लगाना है। तो पहले ड्राइंग मेड किया जाएगा उसके बाद बचेगा 6 मंथ और एट द एंड ऑफ लास्ट मंथ जब निकाला जाएगा तो बचेगा 1 मंथ। तो इस तरीके से 6 + 1/2 हो जाएगा, तो 7/2 = 3.5 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद लगाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग यहाँ पर 1 मंथ में अगर उसने विड्रॉ किया है 800, तो 6 मंथ में विड्रॉ करेगा 800 × 6। इसके बाद rate/100 × ATP/12 हो जाएगा, तो सॉल्व करने पर ये निकल कर आ जाएगा 210। इसी तरीके से 29 के बी में बताया गया है, इसमें भी एट द एंड ऑफ ईच मंथ निकाला है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ निकाला है और वो भी 6 मंथ के लिए है। तो पहले मंथ के एंड में जब निकाला जाएगा तो बचेंगे 5 मंथ और लास्ट मंथ के एंड में निकाला जाएगा तो बचेगा 0 मंथ। तो 5 + 0/2 = हो जाएगा 2.5 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट निकाला जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला लगा देंगे, 800 × 6 हो जाएगा, क्योंकि 1 ईयर में यहाँ पर 6 मंथ ही हैं, इसलिए 800 × फिर से 6 से हो जाएगी, rate/100 × ATP/12 हो जाएगा, जिसको सॉल्व करेंगे तो 150 हो जाएगा। इसी के सी पार्ट में बोला गया है फॉर ए के लिए एवरेज टाइम पीरियड जो होगा वो हो जाएगा 6 + 1/2, क्योंकि एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाला जा रहा है, 6 मंथ के लिए फिर से ईयर है, तो पहले मंथ में जब निकालेगा तो उसके बाद बचेंगे 6 मंथ और लास्ट मंथ में जब निकालेगा तो उसके बाद बचेगा 1 मंथ। तो ये हो जाएगा 7/2 = 3.5 मंथ के लिए निकालना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला हो जाएगा, टोटल ड्राइंग 15,000 एवरी मंथ में निकाले तो 6 मंथ में निकालेगा, 6 से मल्टीप्लाई करके rate/100 × ATP/12, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2,625। इसी तरीके से बी का जब देखेंगे तो बी ने निकाला एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो 5 मंथ बचे पहले मंथ के लास्ट में निकालने पर और लास्ट मंथ के जब लास्ट में निकाला तो बचे 0 मंथ। इसी तरीके से 5 + 0/2 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 2.5 मंथ के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल दिया जाएगा, 20,000 × 6 कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी ईयर में 6 मंथ हैं, rate/100 × 2.5/12 हो जाएगा, इस तरीके से 2,500 निकल कर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इसी के पार्ट सी में दिया हुआ है, सी मतलब सी के लिए ATP सबसे पहले देख लेंगे, ATP हो जाएगा 5.5 + 0.5, क्योंकि इसने जो निकाला है वो यहाँ पर निकाला है एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो मिडल ऑफ एवरी मंथ निकालेगा तो फर्स्ट जब ड्राइंग मेड करेगा तो उसके बाद बचेंगे 5.5 मंथ प्लस लास्ट ड्राइंग जब मेड करेगा तो उसके बाद बचेगा 0.5 मंथ। यहाँ पर भी 6 मंथ का ही ईयर है, तो ये हो जाएगा 5.5 + 0.5/2 = हो जाएगा 6/2 = 3 मंथ्स आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला लगाएंगे, 25,000 × 6 कर दिया जाएगा, क्योंकि 6 मंथ ही है ईयर में। इसके बाद rate/100 × एवरेज टाइम पीरियड अपॉन 12, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे हो जाएगा 3750। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 में हमें जो बताया गया है उसमें बताया गया है 9 मंथ का ही ईयर है, इससे पहले हमने लगाया था 12 मंथ के ईयर में, फिर लगाया 6 मंथ के ईयर में और अब लगा रहे हैं 9 मंथ के ईयर में। तो एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ जब निकालेगा तो फर्स्ट मंथ के बिगिनिंग में निकालेगा तो बाद में बचेंगे 9 मंथ, इसके बाद लास्ट ड्राइंग जब मेड करेगा तो उसके बाद बचेगा 1 मंथ। तो 9 + 1/2 हो जाएगा, तो ये पहली बार में लगेगा 5 मंथ के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा फॉर ए 10,000 × 9 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस ईयर में 9 मंथ है,
अपॉन मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 12, इसके बाद सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3375। इसके बाद इसी को सॉल्व करेंगे जब हम इसका 30 का बी पार्ट, तो इसमें जो बताया गया है वो बताया गया है एट द एंड ऑफ ईच मंथ निकाला है, तो एट द एंड ऑफ ईच मंथ निकाला है, 9 मंथ का ही ईयर है, तो इसमें हो जाएगा ATP इक्वल हो जाएगा 8 प्लस 0, क्योंकि फर्स्ट मंथ के लास्ट में निकालेंगे तो रिमेनिंग मंथ बचेंगे 8, और लास्ट मंथ के अगर एंड में निकालेंगे तो बचेगा 0, तो 8 प्लस 0 अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा 4 मंथ्स। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर बी निकाला जाएगा, तो 10,000 मल्टीप्लाई 9 कर देंगे क्योंकि 1 ईयर में 9 मंथ है यहाँ पर, मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 12, इस तरीके से सॉल्व करेंगे 2700 निकल कर आ जाएगा। इसी के 30 के सी पार्ट में बोला गया है, जब हमें ये नहीं बताया गया कि कितने टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर निकालना है, क्योंकि यहाँ पर मतलब टाइम नहीं बताया गया, लेकिन ये बताया गया है कि ईयर में 9 मंथ हैं, जब ईयर में 9 मंथ हैं तो सीधा सीधा हाफ टाइम पीरियड के लिए निकाल दिया जाता है, मतलब 9 का हाफ हो जाएगा 4.5 मंथ्स, तो 4.5 के लिए मंथ के लिए निकाल देंगे, क्योंकि टाइम नहीं बताया गया कि कब विड्रॉ किया गया, लेकिन ये बताया गया है कि ईच मंथ विड्रॉ किया गया है, तो मतलब 9 मंथ से मल्टीप्लाई करना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा यहाँ पर सी के लिए 10,000 मल्टीप्लाई बाय 9, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट टोटल ड्राइंग इतना किया होगा उसने। इसके बाद रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई एवरेज टाइम पीरियड 4.5 अपॉन 12, इसको सॉल्व करेंगे निकल कर आ जाएगा 3037.5, जिसको राउंड ऑफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 3038। अगर आप यहीं पर छोड़ देते हैं तब भी आपका आंसर सही होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।